तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? और एक और नए ब्लॉग के साथ अपन आ चुके हैं और अपन को बीच में से ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अपने पास कंटेंट है नहीं, छोटा मोटा कंटेंट है वही डाल रहे हैं अपन। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आते से ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा है कि इसके जो टॉप स्पीड है फोर्थ गियर टॉप स्पीड में दिखाने वाला हूँ यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि इसमें फिफ्थ गियर है, फिफ्थ गियर वाला रोड नहीं है हमारे पास अभी, तो अपन फोर्थ गियर तक की टॉप स्पीड दिखाते हैं इसमें। और चलिए तो राइड करते हैं अपन और आपको दिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गियर की स्पीड और आपको बताना कैसा लग रहा है। पहले अपन यहाँ फंसा लें इसको क्योंकि एंगल दिखना पड़ता है यार, बहुत दिक्कत है। ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। कौन थे? सलमान भाई देखो चले गए। तो आपको फोर्थ गियर टॉप स्पीड दिखा रहे हैं गाइस। तो अपन कैमरा एंगल सेट कर लेते हैं पहले, अगर मैं देख लेता हूँ कैमरा एंगल सही आ रहा है कि नहीं। नहीं यहाँ से तो बहुत बेटा आ रहा है कैमरा एंगल, थोड़ा तो अभी भी नहीं आ रहा है यार, थोड़ा कितना कर रहा है इसको। तो अब सही है गाइस कैमरा एंगल। तो पहले यहाँ से अपन यहाँ तक चलते हैं, फिर वहाँ से लाएंगे अपन फोर्थ गियर की स्पीड दिखाएंगे, क्योंकि फिफ्थ गियर वाला रोड नहीं है गाइस, तो अपन फिफ्थ गियर तक नहीं खींच सकते इसको। यहाँ पे फोर्थ गियर भी मुश्किल है, शायद ही हो पाए, कोशिश करते हैं फोर्थ गियर तक अपन फोर्थ गियर तक इसको ले जाने की। फोर्थ गियर तक चली जाए तो अच्छी बात है गाइस, ऐसे थोड़ा रोड आगे तक खाली हो जाना चाहिए, फिर यहाँ से फोर्थ गियर स्पीड टेस्ट करते हैं अपन और कितना खींच सकते हैं ये देखिए गाइस, क्योंकि स्पीड में बता नहीं पाऊँगा आपको कितना कितना जा रही है। लिमिटर जैसी लगेगा मैं आगे चेंज कर दूँगा गियर, और आगे का रोड थोड़ा ख़राब तो नहीं दिख रहा है। सनसेट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, फोर बी एन नहीं टेस्ट कर पाया ना। फोर्थ गियर फिर से चलाना पड़ेगा अपन को, देखा आपने सनसेट कितनी तेज़ हो रहा था जो कि स्पीड रोकनी पड़ी। तो यहाँ से फोर्थ गियर ही हो पाया गाइस, 111 पहुँची, 111 का कर दी है। तो गाइस 111 और अपन फिफ्थ गियर भी मान ले लिमिटेड ये वो करके, तो अपनी 128 129 टच कर देती है। मैंने टच नहीं करी है, मैंने टच नहीं करी है। और सुन तो इसका एक बार फ्लाई बैक सुना दे, वहाँ से ले जा अच्छी स्पीड में जाना, ठीक है? ये ले गाइस, तो मैं आपको इसका फ्लाई बैक भी सुना देता हूँ भाई, ने रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर ये अच्छा लगा तो ये डाल लेंगे, बाकी अपन चल पहले तू देखो तो बाद में दिखा देना। या फिर उस साइड से लिया, उस साइड से अच्छा पड़ेगा क्योंकि उस साइड सनसेट हो रहा है बहुत भयंकर। हाँ तो गाइस आपको अप्लाई बैक भी इसका सुना देते हैं कैसा लगता है, क्योंकि साउंड आता है सुनिए, साउंड सुनिए भाई कितने दूर तक साउंड आता है इसका, यहाँ से अभी अभी तो नहीं आ रहा है, एग्जॉस्ट नहीं है भाई, स्टॉक में इतनी तेज़ आवाज़ दे रहा है और क्या चाहिए गाइस आपको बताइए क्या चाहिए। बात तो सही है, ज़्यादा तो कोई
कोई बाइक नहीं दे पाएगी आपको। तो इसका फ्लाईबैक भी सुना देते हैं। और फोर्थ गियर में 111 टच करी थी गाइस, बहुत है। 160 सीसी और सबसे 160 सीसी में जो भी ये देखिए गाइस, फ्लाईबैक सुनना इसका, अभी तो आया नहीं है, वहाँ से आवाज़ आ रही गाइस, उसने पूरी खींच दी थी, लिमिटर लग गया था, यहाँ तक आवाज़ आई इसकी। ये देखिए गाइस, आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनिए गाइस, कम से कम यहाँ से 100 या 150 मीटर दूर होगा, 200 मीटर गाइस, 200 मीटर। ये देखिए गाइस, अरे इसने बारह बजा दी फ्लाईबैक, ये देखिए गाइस कितनी सेक्सी साउंड आ रहा, मज़ा नहीं आया, इसने स्पीड पूरी रोक दी क्योंकि कार थी सामने। तो आगे का अभी दिखाते हैं, एक और बार फ्लाईबैक लेगा वो, एक और फ्लाईबैक दिखा देते हैं गाइस सबको, मज़ा नहीं आया। तो एक और बार आएगा गाइस स्पीड में फ्लाईबैक लेके, आप इस बस साउंड सुनिए गाइस, कुछ नहीं साउंड सुनना बस आप इसको, आप साउंड बस सुनिए, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत है यार इस रोड पे, ये सिंगल रोड है, डबल है वैसे, अभी सिंगल बना दिया इसको। गाइस आवाज़ सुनिए, साउंड सुनिए आप बस साउंड, अरे फिर गाड़ी आ गई यार, फ्लाईबैक ही नहीं मिल पा रहा इसको ढंग का। गाइस साउंड सुनिए, चेक करिए, चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट, सेक्सी है। और कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, अगर इस सेगमेंट में इस अच्छा साउंड वाली कोई बाइक दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और यही अपनी चॉइस है, अगर आपको चॉइस अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस, अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं कि सबकी सेम हो। मेरी चॉइस तो यही है गाइस, क्योंकि मुझे साउंड अच्छा लगा। और जो न्यू मॉडल था वो अपन को लेना था पल्सर में ही, क्योंकि NS60 लेने गए थे अपन। एक और बार फ्लाईबैक सुनिए, फिर गाड़ी आ गई। अरे तेरे चक्का हर बारी कार गाइस, तो जनता माफ नहीं करेगी। ये लाइन होती है, देखिए कितना खाली रोड है, इतना भरा भी नहीं है, फिर भी कार सामने आती, क्या कर सकते हैं यार, बहुत गया टॉप स्पीड दिखानी है तो कुछ मेहनत करना पड़ता है। मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि आगे सनसेट दिख गया था मेरे को, और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस आप बताइएगा आपको साउंड कैसा लगा, और इसकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो लाइक जरूर करना गाइस, साउंड बस रोक ले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस, बहुत हीट हो चुकी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस, क्योंकि अपन रेगुलर कोशिश कर रहे हैं ब्लॉग डालने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको।